सो दोस्तों फिलहाल देख सकते हैं अभी हम लोग है रांची के डोरंडा राजेंद्र चौक के पास और यहां से आज हम आपको नेपाल हाउस की तरफ लेके चलने वाले हैं। फिलहाल देख सकते हैं अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शहीद गोरखा चौक और यहां से हम लोग लेफ्ट जाने वाले हैं बायां और यहां से बायां जाते हुए नेपाल हाउस की तरफ होते हुए जाने वाले हैं नया रूट जो बन रहा रांची रेलवे स्टेशन। और अगर आप डोरंडा की तरफ से रांची रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो आप नेपाल हाउस सचिवालय की तरफ से होते हुए इस रोड से बहुत ही आसानी से शॉर्टकट में आप रांची रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। रेडी हो चुका है और ये साइड से आप रांची रेलवे स्टेशन की तरफ जा सकते हैं और एक नया रूट भी इधर बन रहा है, ये सामने की तरफ भी एक फ्लाईओवर वहाँ पे भी बनाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आपका भाई फिर से एक बार हाजिर हो चुका है एक नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट कर रहा कि शकील भाई बहुत दिनों से आप वीडियो लेके नहीं आ रहे थे। दोस्तों आज मैं आपको नया वीडियो लेके आ चुका हूँ और लेके चलने वाला हूँ आज रांची रेलवे स्टेशन का जो नया रूट बन रहा है नेपाल हाउस की तरफ उसका काम दिखलाने के लिए, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका था कि वहाँ पे काम शुरू हो चुका है और काफी दिनों के बाद वहाँ पे जाने वाला हूँ और दिखलाने वाला हूँ कितना काम हो चुका है उस रेलवे स्टेशन जाने वाला रोड का जो नेपाल हाउस की तरफ से बन रहा है। तो वीडियो में बने रहे, बिल्कुल वीडियो की स्किप न करें। चैनल में पहली बार है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि रांची से हर अपडेट वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहे। चलिए धमाकेदार फॉलो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों फिलहाल देख सकते हैं अभी हम लोग है रांची के डोरंडा राजेंद्र चौक के पास और यहाँ से आज हम आपको नेपाल हाउस की तरफ लेकर चलने वाले हैं। सो दोस्तों ये देख सकते हैं ये नेपाल हाउस के जाने का रास्ता है, ये फ्लाईओवर का काम आप देख रहे हैं जो कि काफ़ी तेजी में चल रहा है। हम आपको डोरंडा फ्लाईओवर का भी अपडेट दे चुके हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं अभी हम लोग नेपाल हाउस की तरफ जा रहे हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नए रूट दिखलाने वाले हैं जो नेपाल हाउस से रांची रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला है। बस वीडियो में बने रहें, आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में वीडियो बना के देने वाला हूं। और ये देख सकते हैं फ्लाईओवर का जो रैंप का काम है वो भी बहुत ही तेजी में चल रहा है और ये डोरंडा फ्लाईओवर का देख रहे हैं काम और ये नेपाल हाउस के जाने का रास्ता है। अभी हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे नेपाल हाउस की तरफ, ये जो डोरंडा नेपाल हाउस की तरफ जाने का रास्ता है यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे और यहाँ से नेपाल हाउस सचिवालय होते हुए हम आपको नए रूट जो बन रहा है रांची रेलवे स्टेशन का उसको दिखलाने वाले हैं, क्योंकि हम पिछले वीडियो में भी आपको दिखला चुके थे नेपाल हाउस के पास से जो रोड बन रहा है रांची रेलवे स्टेशन के लिए वो फिलहाल काम चल रहा था और काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से एक बार आप लोगों को लेकर चलने वाले हैं और दिखलाने वाले हैं कितना काम हो चुका है वहाँ पर। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें क्योंकि स्किप कीजिएगा तो आप बहुत ही सारा अच्छी अपडेट मिस कर रहे हैं। तो आज वीडियो में बने रहें, आज काफ़ी दिनों के बाद हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं फिर से एक बार और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल देख सकते हैं अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शहीद गोरखा चौक और यहाँ से हम लोग लेफ्ट जाने वाले हैं बायां और यहाँ से बायां जाते हुए नेपाल हाउस की तरफ होते हुए जाने वाले हैं नया रूट जो बन रहा है रांची रेलवे स्टेशन। ये देख सकते हैं ये नेपाल हाउस सचिवालय है और इधर देख सकते हैं डोरंडा उर्स ग्राउंड है और ये रिसलदार बाबा का मज़ार है और यहाँ से आप राइट जाने हो तो ये देख सकते हैं हम आपको पूरा डिटेल में ये बताने वाले हैं आज कि कैसे कैसे आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं इस नए रूट में नेपाल हाउस की तरफ से। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप डोरंडा की तरफ से रांची रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो आप नेपाल हाउस सचिवालय की तरफ से होते हुए इस रोड से बहुत ही आसानी से शॉर्टकट में आप रांची रेलवे स्टेशन जा सकते हैं और आप ये देख सकते हैं ये सारा जो कॉलोनी आप देख रहे हैं ये सिर्फ नेपाली लोग का है जो गोरखा लोग रहते हैं यहाँ पर। और वीडियो में बने रहें, देख सकते हैं अभी हम यहाँ से राइट जाएंगे उसके बाद लेफ्ट मुड़ना होगा उसके बाद आपको ये स्टेशन का रास्ता देखने को मिलेगा और ये देख सकते हैं यहाँ पे रोड का काम यहीं से स्टार्ट है। सो दोस्तों देख सकते हैं ये पहला ये काम स्टार्ट नहीं था और ये पूरी तरीके से ये ब्रिज बना दिया गया है, इसके नीचे में घर भी है और नदी है, इसके लिए यह फ्लाईओवर का काम भी जैसे कि एक ओवर ब्रिज है ये बना दिया गया है जो कि पिछले वीडियो में आपको दिखा नहीं सके थे क्योंकि वहाँ पे काम स्टार्ट था और काफ़ी काम यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी काम हो चुका है, ये पूरी तरीके से फाइनल में है ये काम। और ये देख सकते हैं कितना चौड़ा ये रोड बनाया जा रहा है, अभी फिलहाल ये रोड नहीं बनाया गया है, ये अभी कच्चा है, हो सकता है इसमें बीच में डिवाइडर लगे या ना लगे, वो आगे का प्रोसेस है वो मैं बाद में दिखाने वाला हूँ। लेकिन अभी फिलहाल देख सकते हैं
आप रांची रेलवे स्टेशन जाने के लिए अगर नेपाल हाउस की तरफ से आते हैं डोरंडा घाघरा नेपाल हाउस बिरसा चौक से, तो आपको शॉर्टकट में ये रास्ता देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल देख सकते हैं इधर सारा काम रेडी हो चुका है और ये साइड से आप रांची रेलवे स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। और एक नया रूट भी इधर बन रहा है, ये सामने की तरफ भी एक फ्लाईओवर वहाँ पे भी बनाया जा रहा है जो कि हरमू नदी है, हरमू नदी के ऊपर वो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। तो चलिए जरा नजदीक से वहाँ पर भी देखने की कोशिश करते हैं वो कब तक कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में देखे थे वहाँ पे काम स्टार्ट था। और ये देख सकते हैं चारों तरफ काम काफी तेजी में चल रहा है और बहुत ही जल्द आपको ये रूट भी स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल ये रूट देखना जरूरी है क्योंकि इसी से आप रांची रेलवे स्टेशन के जो 5 नंबर गेट है वहां तक जा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला हूं और बतलाने वाला हूं कि ये रूट स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वीडियो में बने रहे, आज मैं आपको सारा दिखलाने वाला हूं डिटेल में। सो दोस्तों देख सकते हैं काम काफी तेजी में चल रहा है, चारों तरफ आप काम देख सकते हैं। ये हरमू नदी के ऊपर से ये बनाया जा रहा है रांची रेलवे स्टेशन जाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं काम काफी तेजी में है, काफी स्पीड में है क्योंकि आप लोगों ने डिमांड कमेंट करते शकील भाई रांची रेलवे स्टेशन में जो रोड बन रहा था उसका वीडियो जल्द से जल्द दिखाइए। तो भाई आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये रोड बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है और हो सकता है ये रोड चालू भी हो चुका है। तो हम आपको नजदीक से आकर दिखलाने वाले हैं कि आप रांची रेलवे स्टेशन के 5 नंबर गेट डोरंडा की तरफ से आते हैं नेपाल हाउस की तरफ से तो कैसे जा सकते हैं और वो चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ। तो चलिए हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं और दिखलाते हैं कि वो रोड कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिलहाल ये काम तो बहुत ही तेजी से चल रहा है, ये सामने आप जो देख सकते हैं ये नेपाल हाउस की तरफ का रूट है। और अगर रांची रेलवे स्टेशन जाना है तो आप नेपाल हाउस की तरफ से यहाँ से सीधा जा सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये रोड फिलहाल तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से अब आप आना जाना कर सकते हैं, अब आपको यहाँ पर 4-व्हीलर भी आना जाना हो सकता है। चलिए हम आपको नजदीक से दिखलाने की कोशिश करते हैं, ये रोड पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं साइड साइड में जो डिवाइडर का काम है वो भी कर दिया गया है और रोड फिलहाल अभी कच्चा है लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद ये पूरी पक्का रोड बनाया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सामने से 4-व्हीलर भी अब आना स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब है कि अब रांची रेलवे स्टेशन जाना हुआ आप लोगों के लिए आसान। और ये देख सामने 4-व्हीलर भी आ रहा है। सो दोस्तों ये देख सकते हैं ये है हरमू नदी, ये हरमू नदी है और ये हरमू नदी के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है ताकि रांची रेलवे स्टेशन जाने के लिए आप लोगों को ये साइड से नेपाल हाउस के तरफ से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे कमर्शियल गाड़ी भी चलने लगा है, 4-व्हीलर भी चलने लगा है। पिछले वीडियो में आपको दिखलाए थे तो उस टाइम में काम नहीं हुआ था ये ब्रिज का, नीचे से ये गाड़ी आना जाना करता था। वो देख सकते हैं कच्चा रास्ता जो बनाया गया था उसी से आना जाना होता था रांची रेलवे स्टेशन की तरफ जो कि 5 नंबर गेट कहलाता है। और अब ये देख सकते हैं ये ब्रिज ऊपर का पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ से आप 4-व्हीलर 2-व्हीलर 3-व्हीलर कोई भी गाड़ी आप आके लेके आना जाना कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये रोड भी काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है क्योंकि ये डोरंडा घाघरा की तरफ से रांची रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको रांची सिरम टोली पटेल चौक ओवरब्रिज जाना पड़ता था लेकिन अब ये शॉर्टकट रास्ता हो चुका है तो आप यहां से सीधा 5 नंबर गेट रांची रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ऑटो का भी परिचालन शुरू हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं ये शॉर्टकट रास्ता से जो ऑटो वाले भी अब रांची रेलवे स्टेशन आराम से जा सकते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को फिलहाल दिखलाने वाला हूँ रांची रेलवे स्टेशन के जो नया रूट बन के हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हम आपको लेकर चलने वाला रांची रेलवे स्टेशन के 5 नंबर गेट की तरफ भी और देखते हैं ये गेट के पास ये रास्ता कितना बन चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा अपडेट देते रहता हूँ। और फिलहाल देख सकते हैं हम अभी हरमू नदी के ऊपर जो ब्रिज ये बना है हम उसके ऊपर में हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को रांची का हर अपडेट वीडियो देता हूं, जैसे कि 4 लेन हो गया, फ्लाईओवर हो गया
और बहुत सारा ऐसा चीज है जो मैं आप लोग अपडेट देते रहता हूँ। और पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखा चुका था कि यहाँ पर काम चल रहा है, और फिलहाल ये देख सकते हैं ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल ये देख सकते हैं चारों तरफ ये कंप्लीट है, सिर्फ यहाँ पे नया रोड बनना बाकी है। और ये हरमू नदी आप देख सकते हैं, इसके हरमू नदी के ऊपर से ये बनाया गया है। कितना बड़ा ये हरमू नदी है। और आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। अभी हम आप लोगों को यहाँ से लेके चलने वाले हैं रांची रेलवे स्टेशन के 5 नंबर गेट की तरफ भी, और दिखलाते हैं कि वो साइड में भी कितना काम हो चुका है, कितना रोड बन चुका है। तो वीडियो में बने रहे, आज मैं आप लोगों को सारा डिटेल में वीडियो बना के देने वाला हूँ। अगर आप इधर से आते हैं, ये फिर से आप लोगों को बताता हूँ कि ये नेपाल हाउस की तरफ से आ रहे हैं, और ये पुल के यूज करने के बाद आप रांची के रेलवे स्टेशन के 5 नंबर गेट की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में ये वीडियो बना के देने वाला हूँ। सो अभी देख सकते हैं दोस्तों ये रोड अभी फिलहाल पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ है, पक्का रोड नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी का कितना आना जाना हो चुका है। ये रोड आने वाले दिनों में काफी बिजी रोड होने वाला है, क्योंकि ये रोड डोरंडा और अगर ओवरब्रिज और बिरसा चौक की तरफ से आते हैं तो ये आपको बहुत ही शॉर्टकट में आपको रांची रेलवे स्टेशन पहुँचाने का काम करेगा। सो दोस्तों चलिए अब आप लोगों के लेके चलते हैं रांची रेलवे स्टेशन के 5 नंबर गेट की तरफ। वीडियो में बने रहे, आज मैं आप लोगों को सारा कुछ एक ही वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ और दिखलाने वाला हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये अपडेट वीडियो कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया कीजिए। सो दोस्तों चलिए अब आप लोगों को लेके चलते हैं रांची रेलवे स्टेशन के तरफ और दिखलाते हैं कितना रोड यहाँ पे बन चुका है। सो दोस्तों देख सकते हैं ये रोड अभी फिलहाल यहाँ तक कच्चा ही रोड है, और रांची रेलवे स्टेशन जाने के लिए अभी फिलहाल आप इस रोड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, 4-व्हीलर 3-व्हीलर भी यहाँ से आना जाना शुरू हो चुका है, जो कि पिछले वीडियो में नहीं हो रहा था, काम बंद था, काम नहीं हुआ था। लेकिन बहुत दिनों के बाद हम फिर से एक बार आ चुके हैं, तो देखते हैं यहाँ पर काम पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको ये रोड देख सकते हैं, यहाँ पे रोड काफी खूबसूरत बना हुआ है और सामने ही आपको रांची रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। सो दोस्तों देख सकते हैं, अगर आप डोरंडा घाघर के तरफ से आ रहे हैं और वो पुल का इस्तेमाल करते हैं और वो रोड का, तो आप मिनटों में रांची रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं पहुंच चुके हैं रांची रेलवे स्टेशन। ये रांची रेलवे स्टेशन का 5 नंबर गेट है और यहाँ पे आप तुरंत पहुंच सकते हैं। ये है रांची रेलवे स्टेशन का 5 नंबर गेट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा और काफी पसंद आया होगा। सो दोस्तों देख सकते हैं ये रांची रेलवे स्टेशन का 5 नंबर गेट है। आप उस रोड से आते हैं तो इस जगह में पहुंचने के लिए काफी ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, बहुत ही जल्द पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा और काफी पसंद आया होगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पहली बार है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि रांची से हर अपडेट वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।